हमारे मनोज लोहनी जी हैं दिल्ली से, और अभी रामलीला का यहाँ पर सुंदर जो मंच बन रहा है तो उसके बीच में यहाँ पर अभी देखने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए और बहुत बढ़िया। पहले हमारी चौपाता में वहाँ पर आमला होती थी, काफ़ी वर्षों से वहाँ पर आमला होती थी, हम भी पार्टिसिपेट उसमें करते थे, लेकिन कुछ कारणवश क्योंकि पलायन यहाँ से हो गया, उस तरह के लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। बुजुर्ग थे पहले, काफ़ी वो चीज़ करते थे, लेकिन अभी ठीक है। ताकुला में अपने लोगों ने, अपने भाइयों ने इस चीज़ का प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। इसलिए मैं भगवान श्री राम का, भगवान श्री हनुमान का एक कॉम्बिनेशन, एक मंत्र बोलता हूँ, उसी के साथ में आपको सबको समाप्त करता हूँ। रोजम वार दिल्ली वेगम जियम बुद्धिता वर्षम वाता तुम वारे श्री राम दुर्गम शरण। जय श्री राम। तो जैसा कि इन्होंने सुंदर सा एक राम जी का श्लोक बोला, मनोज बम्बा रुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम बा नरयुत्थ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम उपपद्ये। तो देख सकते हैं सुंदर सा मनोज लोहनी जी के द्वारा बोला गया, और ये भी हमारे रामलीला के काफी प्रेमी है, ये सभी लोगों की सेवा में पार्टिसिपेट किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि रोज की तरह मैंने आज भी अपना ब्लॉग चालू कर दिया है, छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंड दोस्तों सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज हो गई है श्राद्ध की नौमी तिथि, पूर्ण होने के बाद दसवीं लग चुकी है, और अभी माता जी का प्रातःकालीन किया तर्पण इत्यादि का कार्य किया, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा ताकुला के लिए। और यहाँ से जो ताकुला हम जाते हैं तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, और आपको जैसे कि मैं लेकर के चलूँगा बैक कैमरे की तरफ, तो आपको सुंदर सा, मस्त सा, ज़बरदस्त सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि कल रात तो बहुत लेट हो गया था, तो अच्छे से व्यू वगैरह एकदम क्लियरिटी नहीं आई होगी क्योंकि अंधेरा हो चुका था काफ़ी। तो दोस्तों आपको मस्त एंड ज़बरदस्त व्यू की तरफ लेकर के जाएंगे, आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगती हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिसने चैनल को नहीं किया है कर दीजिएगा, जो कि मेरे चैनल का नाम है नवीन तिवारी ब्लॉग। तो दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ मैं एकदम बैक कैमरे की तरफ, आप देखेंगे मस्त एंड ज़बरदस्त दुनिया का। और थोड़ा सा यहाँ से हमें जैसे कि घर से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, पैदल मार्ग वो भी दिखाया जाएगा, मस्त बन रहे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, मस्त एंड ज़बरदस्त आजकल पहाड़ों में हो रही है हरियाली। अब कुछ समय के बाद ये हरियाली हो जाएगी पूरी साफ, क्योंकि जैसा कि अब ये घास वगैरह खेत वगैरह जो है सब साफ हो जाएंगे, तो हरियाली वगैरह जो है सब यहाँ से पूरी साफ हो जाएगी। और मस्त एंड ज़बरदस्त सामने दिख रहा है ताकुला, ये ताकुला है, यहाँ पर हमारे घर से 2 मिनट का रास्ता होता है ताकुला, 2-2.5 मिनट का रास्ता, और देख सकते हैं मस्त एंड ज़बरदस्त सा व्यू। और आजकल घास होने के कारण थोड़ी सी रास्ते जो हैं, मार्ग जो हैं, एकदम घास की वजह से बंद हो रखे हैं, तो दिख नहीं रहे हैं। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर भी रोड वगैरह आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और देख सकते हो भाई क्या मस्त चारों तरफ का व्यू, पूरे सतराली का व्यू है, पूरे सतराली का व्यू देख सकते हैं। नीचे है देवी मंदिर, और जो कि यहाँ पर मैंने किया था एक बार भागवत, और फिर दोबारा हो सकता है इस बार दोबारा किया जाए यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम, जरूर मन में ऐसा है कि इस बार यहाँ पर कुछ अच्छा सा कार्यक्रम हो। देख सकते हैं यहाँ पर देवी मंदिर, ये देवी मंदिर है, बगल में धर्मशाला है, और सोच रहे हैं कि इस बार यहाँ पर कुछ किया जाए। और देख सकते हैं चारों तरफ का मस्त एंड ज़बरदस्त सब्जी दोस्तों, और आजकल हो रही है जैसे कि पूरे पहाड़ों में घास और हरियाली और बारिश का मौसम, और अभी यहाँ तो बारिश हो नहीं रही है 2 दिन से, थोड़ा सा मौसम सही है, सही भी क्या है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, तो बादल लगे हुए हैं चारों तरफ आसमान में, देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल है, पूरा बादलों का ही दृश्य दिखेगा आपको चारों तरफ। और बागेश्वर में हो रही है बहुत तगड़ी बारिश, और जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है बागेश्वर में। अब फिर उसके बाद है ताकुला का नंबर, ताकुला सतराली, इधर को भी जब बारिश होती है तो बहुत तगड़ी होती है, 3-4 दिन तक फिर रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेती है। पहले तो बारिश होती नहीं है दोस्तों, और हो गई तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है, मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से। देखो अभी ये कुछ समय के बाद घास सब कट जाएगी तो पूरा साफ हो जाएगा, फिर सब अच्छा लगेगा, मस्त एंड ज़बरदस्त सा। और नीचे देख सकते हैं, नीचे पर यहाँ पर आता है नाला, बह रहा है पानी, और यह है ऊपर गांव में जाने वाला रास्ता जो जाता है पनेर गांव को, थापला को,
और ये है ताकुला वाला रास्ता, जैसा कि दिखा सकता हूँ मैं आपको, आप लोग देख सकते हैं। और अभी घास से सब भरा हुआ है। ऐसी हरियाली को देखने के लिए भी दोस्तों लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हरियाली का भी कुछ अपना अलग ही मजा है, आनंद है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये हो रहे हैं पहाड़ी दाल, जैसा कि जिसे बोलते हैं भट, सोयाबीन इत्यादि इत्यादि, ये पूरे खेत है, खेतों में हो रहे हैं। आजकल फसल तैयार होने वाली है, कुछ समय के बाद यह फसल भी तैयार होने को है। और देख सकते हैं आप, ये है भट, सोयाबीन वगैरह वगैरह, ये सब चलता है आजकल। घास देखो वहाँ पर कट चुकी है, काट रहे लोग, धीरे धीरे सब ये पूरा जंगल साफ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रामलीला मंच जो है तैयार होने को है और लगे हुए हैं यहाँ पर सभी लोग कार्य में। अभी कुछ ही देरों के कुछ देर के बाद आने वाले हैं सभी लोग यहाँ सेवा में, और मंच जो है यहाँ पर तैयार होने वाला है मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से। और सभी भक्त लोग यहाँ पर, जैसा कि दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ खड़े हैं। जय श्री राम। हमारे अंदरदा भूतपूर्व प्रधान भी रहे, और अभी हमारे क्षेत्र के काफ़ी वो हैं, और ये भैया जी भी, और यहाँ पर हमारे कुछ कर्नाटक जी भी, सभी लोग, सभी मित्रवर यहाँ पर देख सकते हैं आप। और रामलीला कमेटी के सदस्य भी अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैंने सोचा छोटा सा एक क्लिप यहाँ का भी ले लिया जाए, आप लोगों के बीच में रख दिया जाए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।